चैनल बना बना करके थक चुका हूँ, वीडियोस बना बना कर थक चुका हूँ, मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आते। लेकिन ये देखिए, आपको इनका मैं चैनल यहाँ पर दिखा देता हूँ, अबाउट सेशन में ले जाकर के मैं दिखा देता हूँ। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने अपना चैनल बनाया था, वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया था। और इनके चैनल पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ करीब में व्यूज आ चुका है, ठीक है। और एक महीने से ही ये रेगुलर वीडियो डाल रही हैं। इनके चैनल पर मैं लास्ट वीडियो पे चला जाता हूँ, ये देखिए, एक महीना पहले इन्होंने वीडियो डाला था 49 सेकंड का, और इनकी वीडियो पर एक महीना पहले 8,700 के करीब व्यूज आए थे। फिर इसके बाद इन्होंने दूसरी वीडियो डाली 2 मिनट का, उस पर 28,000 आए। इसके बाद फिर इन्होंने 56 सेकंड की वीडियो डाली, जिसपे देखिए 1,35,000 व्यूज आए। और इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा व्यूज आया हुआ है, उन्होंने 57 सेकंड की वीडियो डाली है, इसपे 9,40,000 अप्रॉक्स कह सकते हो, लगभग 1 मिलियन के करीब में व्यूज आए हुए हैं। इनका चैनल एक महीने के अंदर में ही इन्होंने 17,800 के करीब में सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, और 70,000 से ज्यादा का इन्होंने फर्स्ट पेमेंट लिया हुआ है। और ये बिना फेस के, बिना अपना कोई वीडियो बनाए हुए, यानी कि ना ये कैमरे को फेस करती हैं और ना ही ये वीडियो बनाती हैं, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब से लाखों रुपया कमा रही हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर के आप इसे एंड तक जरूर देख लेना। आपको मैं ये आइडिया बताऊंगा, इन्होंने कहा कि मैं फेस नहीं दिखा सकती, मैं वीडियो पर नहीं आ सकती, लेकिन आप इस वीडियो के बारे में आप बता सकते हो कि लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपना नया चैनल क्रिएट कर सकते हैं। ये एकदम से टोटली डिफरेंट है, इस टाइप के चैनल पर बिल्कुल भी कॉम्पिटिशन नहीं है। देखो क्या करते हैं ये मैडम, सबसे पहले आप इनके चैनल पर देख लीजिए टोटल कितने व्यूज है। इनके चैनल का नाम है हनिया वॉइस, ठीक है। और ये देखिए क्या है, 50 वीडियो अपलोड के लिए 50 वीडियो में ही इनके चैनल पर 17,800 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और इनका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या अच्छे से इन्होंने सजाया हुआ है, अच्छा सोचो, दूसरों को खुश रखो, मन को साफ रखो, तुम भी खुश रहो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी दिया, इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, और 25 जुलाई को इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है। और अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पॉपुलर वीडियो पर मैं इनके चला जाता हूँ। पॉपुलर वीडियो पर देखिए 3 मिनट 46 सेकंड की वीडियो है, जिसपे 1.5 मिलियन व्यूज है, अभी 2 वीक्स पहले ही। 2 वीक्स पहले देखिए इन्होंने अपलोड किया है, 1.3 मिलियन व्यूज है। 2 वीक्स पहले इन्होंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, जिसपे 1.2 मिलियन व्यूज है। 1 मंथ पहले इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया है, इनके चैनल पर आप देख सकते हो 1,40,000 व्यूज हैं। आप देखिए, एक छोटा सा चैनल एक महीने पहले स्टार्ट किया गया है, और कैसे ये अपने चैनल को ग्रो कर ली है, 17,000 सब्सक्राइबर पे ही 70,000 से ज्यादा का फर्स्ट इनकम, फर्स्ट पेमेंट, और इनकी वीडियो पे देखो आप मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। आखिर ये कंटेंट कैसे बनाती हैं, कंटेंट इनका आप ओपन करके देखो। मैं यहाँ पर इनकी एक वीडियो को ओपन करता हूँ, जिसपे सबसे ज्यादा 1.5 मिलियन व्यूज आए हुए हैं। इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, आपके सामने देखिए। एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि आप देख सकते हो कि एक स्टोरी ये पढ़ रही, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल देखिए कैसे लिख रही, आपको सब कुछ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। टाइटल देखिए, सुंदरता का मूल्य, इन्होंने क्या अच्छे तरीके से अपने टाइटल को एक्सप्लेन किया है कि कोई भी देखेगा समझ जाएगा कि क्या इस वीडियो में होने वाला है, आखिर क्या इस वीडियो में होने वाला है। सुंदरता का मूल्य, हिंदी स्टोरी, ठीक है, कीवर्ड इन्होंने डाला हुआ है लिसनेबल स्टोरी, इसके बाद शॉर्ट स्टोरी, मेमोरल स्टोरी, मोरल स्टोरी इन हिंदी, हनिया वॉइस अपने चैनल का नाम दे दिया। अब देखिए इनके डिस्क्रिप्शन में मैं चला जाता हूँ, देखिए सिंपल तरीके से इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अपना जो भी टाइटल ऊपर में लिखा हुआ है उसी को नीचे इन्होंने उतार दिया, और कुछ यहाँ पर कीवर्ड लगाए हुए हैं, और इनका चैनल है। अब ये वीडियो कैसे बनाती है वो चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर तो ना कोई ये अपना फेस दिखा रही है, ना ही यहाँ पर कोई ज़्यादा एडिटिंग लग रहा है, बस एक फोटो को लगाया हुआ है। और वो फोटो कैसे लगाया हुआ है, कहाँ से ये सारे फोटो आपको मिल सकेंगी, और कैसे आप इस पर वीडियो बना सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। सारी वीडियोज़ अगर आप इनके चैनल पर देखोगे ना, तो इसी से रिलेटेड इनकी सारी वीडियोज़ है। 1 घंटे पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, इस पर देखिए 10,000 व्यूज आ चुके हैं। 17 घंटे पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया है, 62,000 व्यूज आ चुके हैं। 19 घंटे पहले इन्होंने वीडियो अपलोड किया, देखिए उस पर कम व्यूज आए हैं, लेकिन 1 दिन पहले इन्होंने पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उस पर देखिए 1.2K व्यूज आए हुए हैं, 1,02,000 व्यूज आए हुए हैं। और सिर्फ वीडियो क्या है, सिंपल से वीडियो है। अब ये वीडियो आप कैसे बना सकते हो, देखिए आपके पास में एक प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हो, इमेज सर्च मैन, ठीक है, इमेज सर्च मैन आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिखिए हस्बैंड वाइफ नो जोक, या आप जिस टाइप की वीडियो आप बनाना चाहते हो, जिस कैटेगरी की भी आप वीडियो बनाना चाहते हो, या फैक्ट वाली वीडियो को आप बनाना चाहते हो इस तरह से, या कुछ भी बनाना चाहते हो,
उसको आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपके सामने जैसे ही हस्बैंड वाइफ नोक झोंक आप डालोगे, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से इमेजेस आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पतिदेव बेडरूम में बैठकर लोटपोट काम कर रहे थे, पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में बिजी थी। अचानक पत्नी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रिज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। पति झटपट कर मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर पत्नी का मैसेज आया, जिस पर लिखा था, आते हुए फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल लेने आना, तुम्हारी पत्नी। इसी तरह से वो स्टोरी वीडियो बना रहे हैं। स्टोरी मतलब स्टोरी इमेज, आप स्टोरी इमेज भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इन हिंदी यहाँ पर लिख लीजिए, स्टोरी कुछ इन हिंदी आप लग कर लेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इस तरह का यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। आप इन सबको क्या कर लीजिए, सिंपल से यहाँ पर इस चीज को आप डाउनलोड कर लीजिए, इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिए, हार नहीं होती इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टोरी आ जाएंगे जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में बस वही आपको करना क्या है, वीडियो कैसे बनाना है वो चीजें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। काइंड मास्टर जब अपना ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से सबसे पहले मीडिया पे जाना है, मीडिया पे जाने के बाद इमेज असेट्स पे आपको क्लिक करना है। इमेज असेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ब्लैक वाला एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, बैकग्राउंड वाला इमेज ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से इसको ड्रैग करके फैला देना है, जितना भी आप बड़ा इमेज बनाना चाहते हो, जितनी भी आपकी लंबी स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 26 सेकंड या 35 सेकंड आप रख सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी करना चाहो। इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद मीडिया को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जो भी आपने पिक्चर आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको यहाँ पर इस तरह से स्क्रॉल कर लेना, ध्यान से देखिएगा, स्क्रॉल इस तरह से कर लेना ताकि पूरा फुल इमेज में हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग भी आप कर लीजिए, यहाँ से इस तरह से कर लीजिए। करने के बाद इतना हो गया ना, और इसको भी आपको इस तरह से फैला देना है ताकि जितना बड़ा आपका वीडियो कर लें तो उतनी बड़ी आपकी यहाँ पर इमेज रहे। तो देखिए हमारे 35 सेकंड तक मैंने कर दिया। अब इसके बाद इस तरह से फोटो पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक चाबी वाला एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस चाबी वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस यहाँ पर सबसे पहले इस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको लास्ट में चले आना है और इसको धीरे 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 यहाँ पर इस तरह से अपने फोटो को ऊपर करते जाना है, ठीक है। अभी होगा क्या, कैसे होगा वो चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपका लास्ट तक हो जाएगा। तो अब इसके बाद आप एक बार अपने फोटो को चलाइए और इसके बाद देखिए, ये देखिए, अब इन्हीं सारी चीजों को आप देख कर बोलते रहेंगे और आपका फोटो इस तरह से ऊपर में चलता रहेगा और आपकी वीडियो भी बन जाएगी, 50 सेकंड 60 सेकंड की आपकी वीडियो भी बन जाएगी। कैसे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पर ओके मैंने किया। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने से बोलूंगा जैसे, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मेहनत कर उसकी बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए साउंड भी हो गया, फोटो भी हो गया और आपकी एक वीडियो भी बनकर के तैयार हो जाएगी। आपको मजेदार मजेदार इस तरह से कहानी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको वीडियो बना करके बस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना है। आपका कंटेंट रहेगा, वीडियो आपका रहेगा, लाखों में व्यूज आएंगे, आप सब्सक्राइबर वॉच टाइम और पैसे भी आप लाखों तरीके से छाप सकते हो। तो ये आइडिया है, आप इस आइडिया को जरूर ट्राई कीजिए। इस आइडिया से आप अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो, एक नया कंटेंट बना सकते हो, एक जिसमें कंपटीशन बहुत कम होगी और आप महीने के लाखों रुपए आप यहां पर छाप सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आज के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।